हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और जर्नल एंट्रीज की जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में अब हम क्वेश्चन नंबर आपके लिए 20 कराएंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, ओके। और इस क्वेश्चन में कई सारी ऐसी एंट्रीज हैं जो आपके लिए एग्जाम में 100% मिलेंगी। और इन एंट्रीज को सीखने के लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक है जो मैं अभी आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। पूरा रफ वर्क जो होता है वो भी पूरा कर करके दिखाऊंगा, और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। अगर कोई किसी प्रकार की असुविधा हो तो ऑफिस का नंबर है 9719811101, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। कहीं से भी अगर कोई प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हो, पूरी कॉमर्स की टीम लगी हुई है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, पहले वाले कॉलम में क्या लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है। इसमें पर्टिकुलर्स, आईएलएफ, अमाउंट और अमाउंट, डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती है। पहले आ रहा ये डेबिट और दूसरा वाला अपने आप क्रेडिट होता है। और ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक साफ करके, और जो व्यापारी का नाम होगा वो यहाँ पर नाम डाल दिया जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करता हूँ। और देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों के लिए जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। और किस तरह से हैं लिखा हुआ है इसमें, जनवरी 1 के लिए सुरेश से 20% व्यापारिक कटौती पर और 5% नगद कटौती पर 20,000 रुपये सूची मूल्य का माल नगद खरीदा। ठीक है, देखो नगद खरीदा, तो जब नगद खरीदा है तो एक बात तो निश्चित है कि जब हम नगद खरीदेंगे तो कैश जाएगा और माल आएगा। तो एंट्री करिएगा, क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। बिल्कुल ऐसे ही सीखना जैसे मैं सिखा रहा हूँ, बहुत ही ईजी लगेगा। जब हम खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, जितना रुपया देंगे टू कैश अकाउंट, और जो छूट लेंगे तो वो आएगी यहाँ पर टू क्या, डिस्काउंट अकाउंट। बहुत धीरे ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, 100% आपके समझ में आ जाएगा। जो डेट दी हुई हो वो डेट डाल देंगे, जनवरी 1 है और 2020 है, तो यहाँ पर डालेंगे 2020 और जनवरी 1। ठीक है, नरेशन भी कर दीजिएगा कि बीइंग गुड्स क्या किया है इन्होंने, परचेज्ड किया है, तो परचेज्ड, ओके। यहां पर लाइन खींच दो। अब अमाउंट कैसे निकालोगे, देखो वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि सुरेश से 20% व्यापारिक कटौती और 5% नगद कटौती पर 20,000 रुपये सूची मूल्य का नगद माल खरीदा। 20,000 का मूल्य है, ठीक है, तो ऐसे करके लिखो, 20,000 का 20% पे, यानी 20/100, इससे ये यानी 4,000 रुपये, 20,000 में से 4,000 रुपये की तो छूट हो गई, तो माल बचा कितने हजार का, 16,000 का। अब हमने खरीदा कितने का, 16,000 का खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर लीजिएगा कितने हजार की, 16,000 की। लेकिन एक काम और किया इन्होंने, 5% नगद कटौती पर माल खरीदा है। अब नकद कटौती का मतलब ये होता है कि माल तो 16,000 का है, अगर ये नकद पेमेंट करेंगे तो 5% और कम देने होंगे, तो 16,000 का 5/100 और कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 पंजे 80, यानी 800 हो गए। यानी इनको छूट मिल रही है कितनी, 800, तो देने कितने पड़ेंगे, 15,200। देखो ये एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा वर्किंग नोट कुछ टीचर इधर करा देते कुछ के यहाँ पर, मैं सीखने के पर्पज से हर एंट्री के नीचे ये कराता हुआ चल रहा हूँ आपके लिए, ठीक। समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को रिपीट करके फिर से देख लेना। अगली एंट्री है हमारी, महेश से 20% व्यापारिक कटौती पर 8,000 रुपये का सूची का माल खरीदा। अब देखो ये नहीं लिखा है कि नकद खरीदा, तो ये कैसा खरीदा, उधार खरीदा है। क्या कह रहा है, महेश से 20% की व्यापारिक कटौती पर 8,000 सूची मूल्य का माल खरीदा है, तो फिर से भाई खरीद लो। यानी एंट्री करेंगे फिर से, परचेज अकाउंट डेबिट टू, जो बेचने वाला है उसका नाम आ जाएगा, कौन है, महेश है, तो यहाँ पर लिखेंगे महेश, ठीक। और यहाँ पर बीइंग गुड्स क्या किया है, परचेज्ड किया है, ठीक है, यहाँ इस तरह से परचेज करके दिखा दो। अब इन्होंने कितने का माल है, माल है यहाँ पर 8,000 रुपये सूची का, ठीक है, तो हम यहाँ पर डालेंगे कितने, 8,000, 8,000 का माल 20% डिस्काउंट पे, 2 जीरो से 1, ये कटा एक, ये 800 दूनी कितने, 1600 कम कर लेंगे 8,000 में से। जब 8,000 में से 1600 कम करेंगे तो ये बचेगा 6,400 और 6,400,
इस तरह से ये अमाउंट हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ये दो एंट्री हुई और ये 5 जनवरी यहाँ पर पड़ेगा, तो जनवरी 5। ओके, अगली एंट्री देखेंगे यहाँ पर एक लाइन, ये हम जो दूसरा कर रहे हैं ये सिर्फ आपके सिखाने के लिए उसी एंट्री के नीचे करते जा रहे हैं, जिससे आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो कि किस तरह से ये अमाउंट निकालिए। तीसरी एंट्री है, ख़राब होने के कारण महेश को 700 सूची मूल्य का माल लौटाया। अब किसे हमने लौटाया है? महेश के लिए लौटाया है 6 तारीख के लिए, तो यहाँ पर लिखो जनवरी 6। जिसको लौटाया पाने वाला ऋणी होता है, यानी महेश डेबिट टू, परचेज किया हुआ ही तो लौटाया होगा, सो गाइज यहाँ पर लिखेगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू, कौन है? महेश, यहाँ डालिए महेश, लाइन खींच दीजिएगा। कितने सूची मूल्य का है जरा देख लेते हैं, 700 का है, ठीक है? तो 700 का मतलब आप इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, 700 का 20% छूट पर जब करेंगे, 20 से ये 70 × 2 = 140 रुपये, तो छूट हो गई। तो 700 में से 140 के और घटा दीजिए, यानी 560 और 560, इस तरह से अमाउंटें निकलती हैं। और अगला क्या कह रहा है, 10 के लिए 200 रुपये का माल बेचा, ठीक है, सीधे लिखा है 200 रुपये का माल बेचा, और वो डेट है 10, यानी जनवरी 10, 200 का माल बेचा, तो बेचेंगे तो हमें कैश मिलेगा, तो सीधे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, लाइन खींच दो, कितने का बेचा है? 200 रुपये का, सीधे डालो 200 और 200। दिनेश को 2000 सूची मूल्य का माल नगद बेचा, कटौती व्यापारिक 5% है और नगद कितनी है? 1% है। अब नीचे आपको नहीं दिखेगा, मैं साइड में करके दिखा देता हूँ। देखो, दिनेश को 2000 सूची मूल्य का माल नगद बेचा है, भाई दिनेश से कोई मतलब ही नहीं रहा। अब 12 तारीख आ गई, यानी जनवरी 12 के लिए, ठीक है, दिनेश को बेचा है, नगद बेचा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, छूट देंगे तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट। नरेशन करनी होगी बीइंग गुड्स सोल्ड और नीचे लाइन खींच दीजिए। अमाउंट किस तरह से पड़ेगी? अमाउंट पड़ेगी, देखो, दिनेश को 2000 रुपये सूची मूल्य का नगद माल बेचा, तो भैया 2000 में पहले 5% घटाना पड़ेगा। देखो 2000 हैं, इनका 5% का मतलब होता है 20×5 = 100, यानी 100 रुपये, यानी माल अब बिक रहा है कितने का? 1900 रुपये में। लेकिन जो नगद पेमेंट किया है, उस नगद पेमेंट में 1% डिस्काउंट और मिले, तो 1% का मतलब गुणा करो 1/100, 2 × 2 = 0, 19 = 19 रुपये, तो डिस्काउंट में तो डालो कितने? 19, और इधर डालो कितने? 1900, यानी सेल्स के आगे 1900 और डिस्काउंट में पड़ेंगे मात्र 19 रुपये, और यहाँ पर पड़ेंगे 1881। क्यों? इनका दोनों का डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तो दोनों का बराबर हो रहा है। अगर ये 1900 दूर ना दिख रहे हों तो यहाँ पर इधर करके थोड़ा डाल देते हैं, जगह कम है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छे से समझाने का आपको प्रयास हम कर रहे हैं। अगला है 21 तारीख के लिए, तो पहले हम डेट ही डाल दें, ये लाइन हो गई, ठीक है, ये आपका इतना रफ वर्क डिब्बे में बंद कर दिया। जनवरी और कितनी थी? 19 थी शायद, सॉरी 21 है, जनवरी 21 के लिए क्या हुआ है? जनवरी 21 के लिए देखते हैं, 5000 रुपये सूची मूल्य का माल मोहन को 6% व्यापारिक कटौती और 1% नगद कटौती पर बेचा, ठीक है, उसने 60% राशि नगद दे दी है, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली हम बात बताएं, इस तरह की एंट्री इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक आई थी। ये जब एंट्री आती है तो बच्चे बहुत भ्रमित होते हैं, इसको बहुत हिसाब किताब से सीखना है। किस तरह से सीखना है, 21 नंबर पे 5000 सूची मूल्य का माल मोहनलाल को 6% व्यापारिक कटौती पर और 1% नकद कटौती पर बेचा है, ठीक है। उसने 60% जो राशि है वो नकद दे दी है, ठीक है। तो हमने जब बेचा है तो इसमें देखो नगद भी हो गया और उधार भी हो गया, तो नगद की और उधार की दोनों की एंट्री इसमें होनी है, ठीक है। तो किस तरह से होगा देखते हैं। जब हम बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। इसी तरह से अपने माइंड में भी सेट किया करो कि जब हम माल बेचेंगे तो क्या होगा, कैश मिलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट लगेगा, डिस्काउंट हमें देनी होगी तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लगेगा। अब वो 60% तो पैसा दे रहा है, 40% नहीं दे रहा है, तो जितना नहीं दे रहा है पाने वाला ऋणी होता है, उसका नाम है क्या, मोहन है, तो मोहन को डेबिट करना पड़ेगा। मोहन डेबिट और टू क्या, सेल्स अकाउंट। बहुत आराम से आप समझ जाओगे, सीख जाओगे, गारंटी से मैं बता रहा हूं। यहां पर लिखेंगे बी गुड्स सोल्ड, ओके। अमाउंट डालना सीखो, यही सबसे अच्छी चीज है जो आपको आ गई तो आगे तक बहुत हेल्प करेगी। वो कह रहा 5000 का माल 6% कटौती पे बेचा, तो पहले लिखो यहां पर इस तरह से 5000 का माल 6% कटौती का मतलब 2 0 2 0 5 6 30 और 1 0 यानी 300 कम में बेचा, यानी माल बेचा कितने में, 4700 में। ये समझ में आया। अब 4700 में जो माल बेचा है उसमें से 60% राशि उसने नकद दे दी, तो 40% नहीं दी। तो भैया दो चीज़ें होंगी, 4700 का दो भाग हम बांट लो, एक तो 40% में और दूसरा कितने, 60% में। ये पढ़ने का सबसे सरल तरीका है, वेस्ट है। 4700 का 40% निकालना है और 60% निकालना है। तरीका क्या होता है इसका निकालने का, 40% का मतलब 40/100, 60% का मतलब 60/100, ठीक है। ये इतना इतना दोनों को अलग हमने तोड़ लिया, दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, ठीक है। देखो एक जीरो ये लगा हुआ है, 4 7 28 के 8 और 4 4 16 और 2 18, यानी 1880 रुपए तो उसने दिए नहीं है। क्या कह रहा है वो, 60% राशि दी है ना, 60% नकद दे दी है, तो उसने दी कितनी नहीं, 40% नहीं दी। जितनी नहीं दी 1880, वो यहाँ पर डालो 1880, यानी डेबिट साइड में पड़ेंगे 1880। और सेल्स कितने की हुई है, 4700 की हुई है, तो सेल्स में क्रेडिट साइड में डाल देंगे 4700। अगर ना दिख रहे हो तो ये जो अमाउंट है 4700 की है, यहाँ पर 1880 रुपये आ गए। अब डिस्काउंट और कैश ये दोनों निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 4700 में से 1880 घटा दो तब भी अमाउंट आ जाएगी, या दो जीरो से ये दो जीरो कट गए होंगे, तो ये किए ये जीरो यहाँ पर आ गया, 6 7 42 के कितने, 2 आ गए, और 6 4 24 और 4 कितने होते हैं, 28, 2820 रुपये इन दोनों में पड़ेंगे। अब इस 2820 में से कुछ डिस्काउंट भी है, और डिस्काउंट कितनी है ये देखते हैं। इसमें डिस्काउंट है 1% की, ठीक है। तो 1% कैसे करके निकालोगे, 2820 का 1/100, दो जीरो से पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ओके। तो ये 28 रुपये 20 पैसे डिस्काउंट में गए, यानी यहाँ पर डिस्काउंट में 28 रुपये 20 पैसे आ गए। अब आपको क्या करना होगा, 2820 में से 28 रुपये 20 पैसे घटा दीजिएगा, यानी किस तरह से घटाओगे, यहाँ पर घटा दो 28 रुपये 20 पैसे, इस तरह से जीरो लगा लो, जीरो, यहाँ 8 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 2, 2791 रुपये 80 पैसे, 2791 रुपये 80 पैसे। इन तीनों का जो टोटल है वो बराबर होना चाहिए 4700 के। ये एक बार बैक करके इतना देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, और ये मैंने आपके लिए अभी यहाँ पर इजीली समझाने का प्रयास किया। अगला है क्या है,
मोहनलाल से 10% व्यापारिक कटौती, 3% नगद कटौती पर 6,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा और 80% धन नगद दे दिया गया। इसी एंट्री जो मैंने ये कराई है इसी की अब ठीक उल्टी एंट्री है, तो किस तरह से करेंगे, वो ये परचेज की थी और वो किसकी है, सेल्स की है, ठीक है, सॉरी ये सेल्स की थी और जो मैं बोल रहा हूँ वो एंट्री किसकी है, परचेज की है। तो किस तरह से एंट्री होगी देखते हैं। मोहनलाल से 10% व्यापारिक कटौती, 3% नगद कटौती, 6,000 रुपये सूची मूल्य का माल हमने खरीदा है, ठीक है। तो जितने का हमने खरीदा है तो किस तरह से इसकी करेंगे, देखो एंट्री होगी जाकर के यहाँ पर, थोड़ी सी हम जगह आपसे ले लेते हैं, इतने में समझ जाओगे, मैं ना दिखूँ कोई बात नहीं है। यहाँ पर एंट्री करना सीखो, परचेज अकाउंट डेबिट, जितने नगद दोगे टू कैश अकाउंट, जितना डिस्काउंट होगा टू डिस्काउंट अकाउंट, ओके, और जितना पेमेंट दोगे नहीं टू दे, पर जो देने वाला होता है वो धनी होता है, किससे हम परचेज कर रहे हैं, मोहनलाल से, तो टू मोहन लाल, नरेशन करेंगे बीइंग गोड्स परचेज, ओके। जिसने ये क्वेश्चन समझ लिया, समझ लो पीछे के सारे क्वेश्चन उसके लिए 100% करना आ जाएंगे। किस तरह से ये अमाउंट आएगी देखते हैं। एंट्री सीख ली आपने, नासिम जी हो, परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट ही डेबिट होगा, परचेज के बदले जितना नगद दोगे कैश, जितनी डिस्काउंट लोगे डिस्काउंट, और मोहनलाल को देंगे, जो मोहनलाल को पेमेंट हम नहीं देंगे तो देने वाला धनी होता है, तो उतने रुपए से मोहनलाल। अब अमाउंट निकालना इसकी सीखो, कितना है, 6,000 सूची मूल्य का है और 10% कटौती पे है, तो ऐसे करके लिखो 6,000 का 10% यानी 600, 6,000 में से 600 का डिस्काउंट लगेगा यानी माल बचा कितने का, 5,400 का। इस 5,400 रुपए में से कितना हुआ, 3% नगद कटौती पे है लेकिन 80% नगद दे दिया है, तो 80% नगद दे दिया तो दिया कितना नहीं है, 20%, यानी उधार कितना रहा, 5,400 का 20/100, 0 0 0 से ये 0, ठीक है, यहाँ पर होता है 0, 2 4 8, 2 5 10, यानी 1,080 यहाँ पर गए किसके, मोहनलाल के नाम के आगे, ठीक है। अब ये 5,400 का 20% तो ये आ गया, अब 5,400 का हमें निकालना होगा कितना, 80%, इससे ये घटा इससे ये घटा, 0, 8 4 32 के 2, 8 5 40 और 3 43 होते हैं, यानी 4320 अभी रह गया देने को, जो 4320 है उसका नगद पेमेंट करेंगे लेकिन 3% नगद कटौती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 3% नगद कटौती है, तो समझ लो सब निकल करके आ गया, 4320 का 3% हम देंगे नहीं क्योंकि छूट ले लेंगे, 2 0 यहाँ लगा दो, 3 0 का 0, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12, यानी 129.60 रुपये, ये तो यहाँ पर गए डिस्काउंट में, 129.60 रुपये सब निकल करके आ जाएगा अपने आप, ठीक है। ये तो परचेज तो हमने 5,400 का कर लिया, ये जो मेन अमाउंट आ गई ये वाली, ये हम यहाँ से उठा करके और यहाँ पर डाल देंगे, और यहाँ पर 129.60 रुपये हमारे ये डिस्काउंट के आ गए। अब जो 4320 में से इतने रुपये हम देंगे नहीं तो हमें देना कितना पड़ेगा, घटा दीजिएगा ऊपर नीचे सही से लिख के घटाइएगा, 129.60 रुपये भाई, 60 पैसे घटाएंगे तो 40 पैसे बचेंगे, 9 में से 9 गया तो यहाँ 0 बचेगा, ठीक है, और यहाँ 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ 4, यानी 4190.40 रुपये, 4190.40 रुपये, इन तीनों का योग, ठीक है, सॉरी इन तीनों का योग नहीं, ये नीचे वाले तीनों का योग इनका 5,400 के बराबर होना चाहिए, अगर बराबर आ रहा है तो सही है अन्यथा गलत है, और लास्ट में जब पूरे इसका टोटल लगाओगे तो 35,160 आएगा इसका आंसर है, सबको जोड़ोगे, मैं तो कहीं इधर कराया उधर कराया, जगह कम होती है, ऑनलाइन पढ़ाने में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, और जल्द से ही लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 35,160, यानी 35,160 दोनों ओर का टोटल मैच करके देख लीजिए, अगर आ रहा है देन ठीक है, अन्यथा कहीं ना कहीं दिक्कत है।
तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। और इसको चाहे रिपीट करके देखना हो, ये क्वेश्चन सीख जरूर लेना, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।